तो प्लीज अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो उसको गलत वे में मत लेना, क्योंकि मैं रोस्ट करने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को कुछ समझाने जा रहा हूँ। मतलब आपको मत सिखा। चल तो यार, अभी मुझे पिछली वीडियो अपलोड किए ढंग से 5 मिनट भी नहीं हुए थे और मुझे अगली वीडियो की तैयारी करनी पड़ी। वजह, टिकटॉकरों का ये दलाल। मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। अब देखो यार, इससे पहले कि तुम लोग ये बोलो कि भाई वो बंदा टैलेंटेड है, उसे दलाल मत बोलो। रणविजय की तरह। चलो ठीक है, भाई ने एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे डाली, टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर। पहले तो इसकी 2-3 मिनट मीठी मीठी बातें सुनकर ऐसा लगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो, लेकिन नहीं भेड़चोद, इनने भी वही रंडी रोना शुरू कर दिया कि भाई गाली देके क्यों वीडियोस बनाते हो, रोस्टिंग इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। पहले तो ये सुनो, आप लोग फॉरेनर्स को कॉपी करना चाहते हो, ये अपना इंडियन कल्चर नहीं है, और आप रोस्ट के नाम पे तो छूट गालियां दे रहे हो। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। देखो यार, मेरे हिसाब से अगर कोई भी क्रिएटर गाली का इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ फन के लिए करता है। अगर वीडियो में एकाध 2 मिनट में एकाध बार बेटी चोद या बहन चोद बोल दिया तो भाई कौन सा गुना कर दिया, मानना पड़ेगा। जहाँ तक कि मैंने देखा है कि भाई ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जिसकी वीडियो शुरू होते ही सीधा गांड वांड मादर चोद बहन चोद बकना शुरू कर दे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और नहीं यार, ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है कि रोस्टिंग इंडियन कल्चर नहीं है, क्योंकि यार हर घर में एक ना एक रोस्टर है, पूरा खानदान रोस्टर है। अच्छा, कल के दिन अगर तुम कोई बकचोदी करते हो तो पूरा परिवार चढ़ बैठता है ना तुम्हारे ऊपर। और भाई बदतमीजी वो होती है जो 4 लोगों में गाली दे, हम तो फिलहाल माइक के सामने बक रहे हैं। आगे बोल बड़वा। सारे ऐप के क्रिएटर्स एक साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना चाहिए, आपको पता है उससे क्या पावरफुल वीडियो बनेगा। बिल्कुल सही बोला भाई, भुवन बम और आशीष चंचलानी को टिकटॉकरों के साथ कोलाब करके एक देहाती पॉन वीडियोस बनानी चाहिए जो हम लोगों को बहुत पसंद आएगी। अजी घंटा मेरा, अगर ऐसा हुआ ना भाई तो मैं इनकी पुरानी वीडियोस डाउनलोड करके रख लूंगा और अपनी शक्ल दोबारा यूट्यूब पे कभी नहीं दिखाऊंगा। पावरफुल वीडियो बनेगा। सारे ऐप के क्रिएटर्स एक साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना चाहिए। नहीं भाई, मुझे इसका ये अजब गजब कोलैबोरेशन की बात सुनकर कैरी भाई की याद आ गई। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। रोस्टिंग उनकी होती है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वाह। पहले तो ये सुनो। नहीं भोसड़ी के, अगर कल के दिन मुझे अमिताभ बच्चन का रोस्ट करना पड़ा और मैं उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करूंगा कि सर मैं क्या आपको रोस्ट कर सकता हूँ, तो क्या वो मुझे रिप्लाई करके बोल देगा तो करना। और अगर आपस में ही रोस्ट करना पड़ता है तो भाई तुम लोग भी मेरे अपने हो यार। किसकी शक्ल के बारे में तो किसके साइज के बारे में बात कर रहे हो, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, रोस्ट कल्चर को समझो। अरे सर 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 सर, अब आप हमें समझाएंगे कि रोस्टिंग कल्चर क्या है? हमारे को मत बोलो ना सर, आप अपना देखो, हमको मत सिखाओ सर। हट। किसकी शक्ल के बारे में तो किसके साइज के बारे में बात कर रहे हो? पहले तो ये सुनो भाई, मेरे हिसाब से जो बंदा जैसा है उसे वैसा ही बोलना चाहिए। कल को हम किसी लंगड़े को लंगड़ा बोल देंगे तो भाई उसे शायद कम बुरा लगेगा, लेकिन अगर उसी बात पर हम उसे हुसैन बोल्ड या मिल्खा सिंह बोलेंगे तो शायद ज्यादा बुरा लग जाएगा। जो चीज जैसी है उसे वैसा ही बोलना चाहिए, ना कि हाईलाइट करके। मानना पड़ेगा। इन सर के हिसाब से किसी की भी बेतुकी की तारीफ करनी चाहिए। अमेरिका का दलाल बहन चोद। अब भाई जब इतना ज्ञान चोद ही रहे तो चलो कुछ इनका ही टैलेंट देख लेते हैं भाई, इनका भी देख लेते हैं इंडिया को क्या सिखा रहे हैं, इनका कल्चर क्या है। ये है टैलेंट। अब अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी अपना फोन का सामने वाला कैमरा ऑन करके अपने नाक के नक्सुड़े हिलाए तो भाई मुबारक हो तुमको ये टैलेंट। क्रिएटर वो होता है जो कोई प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाता है, और रही बात कंटेंट की तो जो क्रिएटर वीडियो बनाता है वो होता है कंटेंट। अब वो कंटेंट कैसा भी हो सकता है। पहले तो ये सुनो। अब अगर कोई बंदा हगते हुए भी एक वीडियो बनाकर टिकटॉक पे डाल देता है तो वो वीडियो इन भाई साहब के हिसाब से एक कंटेंट है। अच्छा। और इन भाई साहब के हिसाब से टट्टी कंटेंट बनाने में और हमारे जैसे कंटेंट बनाने में बराबर मेहनत लगती है। देखो भाई, मेहनत तो दोनों में हुई ना फिर बराबर। चूतिया लिखा गया। वैसे तो ये यूट्यूब पे ये सोच के आए थे कि मचाएंगे, लेकिन नहीं, लौट के इन्हीं की गांड पे लात टिक गई। पहले तो ये सुनो। अब इन दलों के आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यूट्यूब पर खुद कुछ लोगों ने भड़वाबाजी मचा रखी है। आओ उन्हीं में से एकाध की पेलते हैं। जो लोग बिना अपना फेस दिखाए गेम प्ले के पीछे गालियां बक रहे हैं उनको रोस्टर मत गिनो, तुम्हारे बारे में 10 बुराई कर जाएंगे, 10 गालियां बक जाएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भोसड़ी के, तुझे मालूम है इंडिया में रोस्टिंग कल्चर लाया कौन था? सबसे पहले इंडिया में रोस्टिंग कैरी मिनाटी ने गेम प्ले पर ही की थी, तो तेरे हिसाब से जितने भी उसकी गेम प्ले की रोस्टिंग है वो सारी की सारी बेकार है, वो रोस्टर नहीं है। नहीं नहीं, तुझ जैसे चूतिए तो अभी बाद में आए हैं, वो तुम्हारा बाप है, ठीक है? यही नहीं, अभी और सुनिए। पैसे से ये एक रोस्टर हैं, लेकिन फिलहाल टिकटॉक पर मुजरा करते करते इनका दिमाग सड़ गया है। अमेरिका का दलाल बहन चोद।
तो बस यार आज का रणडी रोना यहीं पे खत्म करते हैं। पिछली वीडियो के बाद मैंने ये सोचा था यार कि लास्ट रिप्लाई कैरी भाई की वीडियो के बाद दिया जाएगा, लेकिन नहीं बहनचोद, इनकी गांड में खुजली है, तो आने दो जिसको आना है आने दो, बराबर पे लेंगे। अब अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ आवेश दरबार अमरीका का दलाल बहनचोद।